हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी प्रोनाउन। स्टैंड तो प्रोनाउन से पहले हम लोग क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं नाउन को, ठीक है ना। तो नाउन क्या होता है? नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फीलिंग्स के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रोनाउन का क्यों ज़रूरत पड़ा? नाउन तो हम जान गए कि नाउन किसी भी पूरे दुनिया में कोई भी चीज़, कैसा भी चीज़ का नाम हो क्या कहलाएगा? नाम, नाउन कहलाएगा, ठीक है। किसी भी वस्तु का नाम, कैसा ये फिल्म का फीलिंग का नाम, किसी भी आइडिया का नाम क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा, समझ रहे हैं। तो हमें प्रोनाउन की क्यों ज़रूरत पड़ी, ठीक है ना, क्यों ज़रूरत पड़ी ये हमें जानना होगा ना। क्या ज़रूरत था प्रोनाउन का? नाउन से ही काम चल जाता। जब नाम हम जान ही रहे तो प्रोनाउन का क्या मतलब उससे? जब हम नाम ही जान ही रहे हैं सारा कुछ का नाम, तो हम नाम का ही यूज़ करेंगे हर जगह, क्या जरूरी है प्रोनाउन का, है ना। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि क्या है प्रोनाउन, है ना। प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। तो प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जिसका कि किसी संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो प्रोनाउन किसी नाउन के बदले यूज किया जाता है। किसी नाउन के बदले यूज करने का मतलब क्या? देखिए, बार बार हम किसी वर्ड को, किसी नाम को हम बार बार रिपीट करें, ठीक है ना, तो अच्छा नहीं लगता है थोड़ा सा, है ना। जैसे आप ही, जैसे किसी के बारे में हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो जैसे कि, जैसे अपने ही बारे में आप लिख रहे हैं, ठीक है ना, अपने ही बारे में लिख रहे हैं तो बार बार अपना नाम तो नहीं लिखिएगा ना, कि माई नेम इज़ आदित्य कुमार, आदित्य कुमार इज़ ए गुड बॉय, आदित्य कुमार रीड इन क्लास फाइव, क्या ऐसा तो नहीं लिखिएगा। तो हमें इसी रिपीटेशन को कम करने के लिए, ठीक है ना, इसी रिपीटेशन को कम करने के लिए हमें प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ी, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, आगे कुछ एग्जांपल आपको समझाने के लिए दिए हैं। राम इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ एन ऑनेस्ट एंड एन इंटेलिजेंट बॉय, ऑल हिज फ्रेंड्स लाइक हिम। तो राम एक अच्छा लड़का है और वह क्या है, एक ईमानदार और इंटेलिजेंट लड़का है, ठीक है ना। ऑल हिज फ्रेंड्स लाइक हिम, उसके जितने भी दोस्त हैं सभी क्या करते हैं, उसे पसंद करते हैं, समझे, क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या यूज किए हैं, राम के यूज किए हैं। उसके बाद देखिए राम का कहीं यूज किए हैं, नहीं यूज किए हैं। उसके बदले क्या चीज़ का यूज हुआ है, ही का यूज हुआ है और हिम का यूज हुआ है, देखिएगा, और हीज का यूज हुआ है, देखिएगा। राम इज़ अ गुड बॉय, राम क्या है, एक अच्छा लड़का है, ठीक है। और राम के लिए यहाँ पर ही का यूज किया गया, ही इज़ एन ऑनेस्ट एंड एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है ना, क्या है, वह एक ईमानदार और इंटेलिजेंट लड़का है, ठीक है ना। तो इंटेलिजेंट कौन है, राम है, समझे। ऑल हिज फ्रेंड्स लाइक हिम, और जितने भी राम के जो भी दोस्तगण हैं, मित्रगण हैं, सभी उसे क्या करते हैं, पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि वह एक अच्छा लड़का है, वह बहुत ही बुद्धिमान है, ठीक है ना, और ईमानदार है, समझे। जैसे यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट दिए हैं, इसको समझा चुके हम, कि ही जो है एक प्रोनाउन है जिसको राम के बदले यूज किया गया, और हिम और हीज भी, ये दोनों भी प्रोनाउन है जिसे राम के बदले ही यूज किया गया है, समझे। तो यही एक स्टेटमेंट निकल कर आता है कि क्यों, क्या जरूरत पड़ा प्रोनाउन का। द नाउन फॉर विच अ प्रोनाउन स्टैंड्स इज कॉल्ड इट्स एंसिडेंट, वैसा नाउन, ठीक है ना, वैसा नाउन जिसके लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है वह एंटीसीडेंट कहलाता है, वह नाउन एंटीसीडेंट कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर राम, राम के लिए क्या चीज़ का यूज किया, ही का, हिम का, हिज का, हुआ ना। तो राम क्या है, राम यहाँ पे एंटीसीडेंट है किस प्रोनाउन का, ही प्रोनाउन का, हीज प्रोनाउन का, हिम प्रोनाउन का, समझे, समझ रहे हैं आप लोग। तो आगे फिर हम जानेंगे नाउन के भी काइंड्स, हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना, नाउन के हम लोग काइंड्स पढ़े थे ना, फाइव काइंड्स होता है नाउन के, आप लोग याद है या नहीं, क्या क्या था, फर्स्ट क्या था, प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, फाइव फिफ्थ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सारे नाउन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और जान भी चुके हैं कि ये सब क्या होते हैं, समझे। तो हम लोग उसी प्रकार प्रोनाउन के भी कुछ काइंड्स होते हैं, प्रकार होते हैं,
समझे। तो उसको हम बारी बारी से समझते हैं, फिर अगले क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे बारी बारी से सारे काइंड्स को। तो पहले फर्स्ट देर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। कितने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की, मतलब हर जगह अलग अलग दिया रहता है, लेकिन जो हम है यहाँ बता रहे हैं आपको, 8 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन सर्वनाम होते हैं, समझे। जैसे फर्स्ट क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मतलब किसी पर्सन के लिए यूज हो उसे पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे, समझे। तो पर्सनल प्रोनाउन समझ गए, कोई पर्सन हो जैसे कि जो बोलता है, जो सुनता है, वो सब क्या है, सारे पर्सन ही आते हैं ना, तो वो सब क्या है, जो भी पर्सन होंगे, जिस वैसे पर्सन जिसके लिए पर्सनल प्रोनाउन का यूज किया जाता है वही पर्सनल प्रोनाउन कहता है। वैसा प्रोनाउन जिसका पर्सन के लिए यूज किया जाता है प्रोनाउन, उसको क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सन कौन हो सकता है, या फिर आप जो बोल रहे हैं वो हो सकता है, जो आप सुन रहे हैं वो हो सकता है, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो पर्सनल प्रोनाउन हो सकता है, समझ रहे हैं ना, समझे। अब क्या है, रिफ्लेक्सिव और इम्पसाइजिंग प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव एंड इम्पसाइजिंग प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, क्या होता है बताइए। वैसा प्रोनाउन जो डायरेक्टली सब्जेक्ट को क्या करता है, इम्फेसाइज करता है, उस पर प्रभाव डालता है सब्जेक्ट पे, उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है, किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए उस प्रोनाउन का यूज किया जाता है, समझे, किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, तो इनडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है वह मतलब कि जिस चीज़ का, जिस नंबर का हम डेफिनेटली पूरे श्योर तरीके से नहीं कह सकते हैं कि इतने नंबर से यहाँ पे इतना लड़का है, इतना आदमी है, ठीक है ना, तो उसके लिए हमें इनडेफिनिट प्रोनाउन का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बांटने के लिए वैसे प्रोनाउन का यूज किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिस प्रोनाउन से किसी से क्वेश्चन करना, किसी से इंट्रोगेट करना, बातचीत करना, वो क्या कहलाता है, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है, समझे। रिलेटिव प्रोनाउन क्या कहता है, वैसा प्रोनाउन जो किसी दो पर्सन्स या ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन बताता है उसको क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और पोसेसिव प्रोनाउन क्या हुआ, पोसेसिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन है जो उस पर्सन का या फिर किसी ऑब्जेक्ट का पोसेसन उस चीज़ पे दिखाता है, उसे क्या कहते हैं, अधिकार बताना, उसको पोसेसिव प्रोनाउन कहेंगे। तो हम इस चीज़ को सारे प्रोनाउन के काइंड्स को हम अगले क्लास में क्या करेंगे, बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे उसके डिफिनीशन के साथ, एग्जांपल के साथ, समझे। अभी हम लोग को क्या करना है, इस वीडियो को वॉच करना है सही से, और फिर समझना है प्रोनाउन क्या होता है, और प्रोनाउन का क्यों यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है, और फिर इसको राइट डाउन करना है कॉपी में, और फिर लर्न कर लेना है इसे। अंडरस्टैंड, थैंक यू।